भिवानी में चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि रोहतक रोड स्थित एमसी कॉलोनी मोड़ पर टैक्सी स्टैंड से स्कोडा गाड़ी बुकिंग कर ले जाने वाले चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसके बाद चालक के शव को गांव कोहाड़ में फेंक कर आरोपित फरार हो गए। चालक की मौत से गुस्साए परिजनों ने चालक पालूवास निवासी प्रदीप का शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। एक घंटे तक परिवार व ग्रामीणों ने जाम लगाए रखा। बता दें कि प्रदीप की अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी व आश्रितों को नौकरी देने की मांग की है। वहीं डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर उन्हें सांत्वना दी और हत्यारों को 3 दिन के अंदर गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। साथ ही सरकार से आर्थिक सहायता दिलाने का भी आश्वासन दिया है। जिसके बाद परिजनों ने जाम खोला और शव का दाह संस्कार किए के लिए तैयारी की। एमसी कॉलोनी मोड़ स्थित टैक्सी स्टैंड से 20 जनवरी को गांव पालूवास निवासी प्रदीप की स्कोडा गाड़ी 4 युवक गांव कोहाड़ के लिए किराए पर लेकर गए थे। वहां पर प्रदीप को 5 गोली मारकर घायल कर दिया गया था। बदमाश उसे तड़पता हुआ वहां फेंक कर उससे मोबाइल फोन व सोने की चैन, अंगूठी, पर्स व गाड़ी लेकर फरार हो गए थे। राहगीरों ने घायल प्रदीप को सामान्य अस्पताल पहुंचाया था। चालक प्रदीप 3 दिन अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में जिंदगी व मौत से जूझता रहा। देर रात उसकी मौत हो गई। शनिवार शाम को अग्रोहा से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव लेकर परिजन सीधे एमसी कॉलोनी मोड़ पहुंचे। वहां पर सड़क पर रखकर शव को जाम लगा दिया और नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बदमाश गिरफ्तार न किए जाने पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के गुस्साए व संख्या को देखकर वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल बुलाया गया। करीब 1 घंटे तक रोहतक रोड मार्ग को बाधित रखा। बताते चले कि गांव गोलागढ़ के सरकारी स्कूल के पास प्रदीप की स्कोडा गाड़ी लवारिस हालत में खड़ी मिली थी। गाड़ी खून से सनी हुई थी और गाड़ी के ड्राइवर की सीट पर खून बिखरा हुआ था। बता दें कि सिवानी डीएसपी जुईकला, एसएचओ व एसएफएल की टीम सूचने पर मौके पर पहुंच गई। चालक के सिर व पीछे की तरफ 5 गोलियां मारी गई है। पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया था। पुलिस ने मृतक के भाई मुकेश के बयान पर मामला दर्ज किया था, लेकिन घटना के बाद 3 दिन बाद भी आरोपित गिरफ्तार नहीं किए गए। एक टैक्सी चालक जो पालूवास का रहने वाला था, उसको कुछ नामालूम व्यक्तियों ने गाड़ी किराए पर ली थी और कोहाड़ के पास में उसको गोली मार दी थी। उस संबंध में आज उसकी डेड बॉडी यहाँ आई थी तो गाँव वालों के और परिवार सदस्यों की मांग थी कि भाई मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया जाए। मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि भाई हम तुरंत मुलजिमों को गिरफ्तार करेंगे, जो भी आर्थिक सहायता उसके परिवार की बनती है नियम अनुसार उसके परिवार को दिलवाई जाएगी और पूर्ण न्याय दिलवाया जाएगा परिवार को। हम जल्द ही मुलजिमों तक पहुंच जाएंगे और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर। अभी वो तो गिरफ्तारी के उपरांत ही पता लग सकेगा कि भाई उनकी क्या दुश्मनी थी, क्योंकि वो अनजान व्यक्ति थे, कोई भी उनको नहीं जानता। मेरा नाम संजय है और मैं पालवास गांव से हूं। जो मृतक है वो मेरे बड़े भाई हैं, उनका नाम प्रदीप है और वो एक टैक्सी चालक हैं जो एमसी मोड़ पे टैक्सी चलाते हैं घर पालन करने के लिए, भाई घर का गुजारा हो सके। तो 20 तारीख को 3 बजे 4 व्यक्ति आए, अननोन नंबर, अननोन नाम से, उनका कोई हमें मालूम नहीं था भाई ये कौन है कौन नहीं। तो उन्होंने भाई को कुहाड़ गांव ले जाने के लिए फोर्स किया, तो भाई ने यस कर दिया क्योंकि उनका तो काम ही है टैक्सी चलाने का। तो वो वहाँ पर उनको लेके गए, 4 बंदे थे और उन्होंने उस घटना मतलब वहाँ उस गाँव में कुहाड़ गाँव में जाके मेरे भाई को मारा पीटा और गोली मारी और फिर खेतों के बीच फेंक दिया। तो प्रशासन से हमारी ये विनती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई को इंसाफ दिलाया जाए और जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जो भी हमारे घर में हो रहा है, जो हमें प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि आर्थिक हमारी आर्थिक मदद की जाए, क्योंकि जो मेरे बड़े भाई हैं जो मृतक है प्रदीप, उनका एक उनकी एक छोटी सी गुड़िया है, वो 1 साल की है, ठीक है। और मेरी गुजारिश है कि उनको उनके अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए और पकड़ा जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।